नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। आज पीएम मोदी का जन्मदिन है। पीएम मोदी 69 साल के हो गए हैं। इन 69 साल में करीब 30 साल मोदी शाह ने एक दूसरे के साथ बिताए हैं। गुजरात से लेकर दिल्ली तक दोनों के संबंध जग जाहिर रहे हैं। दोनों के बीच चोली दामन का साथ रहा है। आज मोदी जो शाहकार बने हैं उसके पीछे अमित शाह की बड़ी भूमिका है। अमित शाह और मोदी के रिश्ते के बारे में हर कोई जानता है और इस रिश्ते की हर कोई मिसाल देता है। ये कहा जाए कि मोदी जो कुछ भी हैं उसके पीछे अमित शाह की मेहनत और पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की बड़ी भूमिका है तो गलत नहीं होगा। देखते हैं मोदी और अमित शाह का ये संबंध किस तरह का है। क्या हम सपना नहीं देख सकते पावर ऑन डिमांड? सशक्त और फौलादी इरादों के साथ साथ जिसके अंदर संवेदनशीलता है, ऐसा नेतृत्व यदि किसी के पास है तो वह केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है और उस नेतृत्व का नाम है श्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें हम अपने प्रधानमंत्री के रूप में 2014 के लोकसभा चुनाव में देखना चाहते हैं। ताकि हम यहां से जब जाएं तो मन में यह दृश्य देख करके जाएं कि जून के महीने में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हो। का चुनाव एक आशा और अरमान का चुनाव। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानने वाले लोग ही क्या, खुद पीएम मोदी भी ये मानते हैं कि वो और बीजेपी आज जिस मुकाम पर हैं, उसमें गृह मंत्री और बीजेपी के अध्यक्ष रहे अमित शाह का बड़ा हाथ है। एक तरह से कहा जा सकता है कि मोदी की सफलता के पीछे शाह का हाथ है। मोदी नाम के शाहकार के पीछे अमित शाह ही वो नाम है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की दोस्ती किस नींव पर टिकी है, आपको दिखाते हैं वो आधार जो किसी को दिखाई नहीं देते, सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं। पद का सम्मान, अमित शाह और नरेंद्र मोदी 1987 से एक दूसरे के साथ हैं, यानी ये साथ 32 सालों का है। लेकिन इतने सालों के साथ के बावजूद भी दोनों के रिश्तों में एक तरह की अनौपचारिकता साफ दिखती है। प्रधानमंत्री मोदी से अमित शाह जब भी मिलते हैं बड़े ही औपचारिक तरीके से मिलते हैं। अमित शाह प्रधानमंत्री की कार के बाहर स्वागत के लिए खड़े होते हैं। निजी जीवन में ये दोनों भले ही अनौपचारिक रहते हों, लेकिन जब वो दुनिया के सामने होते हैं तो जीवन में अनुशासित और औपचारिक रहने की मिसाल पेश करते हैं। मोदी के प्रति अमित शाह जो महसूस करते हैं वो उनके सम्मान में साफ दिखाई देता है। ऐसा ही सम्मान प्रधानमंत्री मोदी भी अमित शाह के प्रति रखते हैं, लेकिन अपने तरीके से ही जाहिर करते हैं।
भरोसा। मोदी शाह के बीच ये भरोसा तब का है जब मोदी मुख्यमंत्री भी नहीं बने थे। अमित शाह ने मोदी पर भरोसा बनाए रखा और मोदी अमित शाह के भरोसे के साथ आगे बढ़ते गए। चौदह में मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और 2019 में भी दोबारा कार्यकाल को दोहराया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी भी अमित शाह पर उतना ही भरोसा करते हैं। इतने सालों के साथ से मोदी को एक दोस्त के रूप में अमित शाह मिले जिन पर वो आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। जनादेश जो मिला है वो जब चुनाव अभियान चलता था, चुनाव अभियान के पहले की समय था, तब बहुत सारे सवाल उठाए जाते थे, मगर हर बार हमारे सभी दलों में एक विश्वास था कि हम 50% की लड़ाई लड़ेंगे और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी भी पूर्ण बहुमत के साथ बहुमत प्राप्त करेगी। और आज जब जनादेश आया है, 17 से ज्यादा राज्यों में 50% से ज्यादा वोट हमें प्राप्त हुए हैं और 9 इकाइयों में 45 से 50 के बीच में वोट प्राप्त हुए हैं। एक तरह से देश की जनता ने सभी कोनों से श्री मोदी जी को और एनडीए को आशीर्वाद देने का काम किया। हजार 14 में सत्ता में आने से पहले की तैयारी में जितना भरोसा मोदी को खुद पर था उतना ही अमित शाह पर भी था। इसी भरोसे पर 2014 चुनाव के 10 महीने पहले शाह को उत्तर प्रदेश का बीजेपी प्रभारी बनाया गया। तब प्रदेश में बीजेपी की मात्र 10 लोकसभा सीटें ही थी। ये शाह की रणनीति का ही कमाल था कि 16वीं लोकसभा के चुनाव परिणामों में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 71 सीटें हासिल की। प्रदेश में बीजेपी की अब तक की सबसे बड़ी जीत थी जिसका श्रेय अमित शाह को ही गया। मित्रों, ये प्रचंड जनादेश जो हमें मिला है वो एक प्रकार से बहुत बड़ा जनादेश, ऐतिहासिक जनादेश। भारतीय जनता पार्टी के 303 सांसद चुनकर आना और एनडीए के 353 सांसद चुनकर आना, ये जनता के प्रचंड जन समर्थन का अभिव्यक्ति है। ये जनादेश कई मायनों में अपने आप में अनूठा जनादेश है। 1971 के बाद पहली बार देश में कोई प्रधानमंत्री 5 साल की टर्म समाप्त कर फिर से बड़े बहुमत के साथ, स्पष्ट बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अमित शाह पर भरोसा ही था जिसके चलते उन्हें भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष पद दिया गया। 2019 में एक बार फिर जीत हासिल हुई और अमित शाह को भारत का गृह मंत्री बनाया गया। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की
प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। भारत के सबसे संवेदनशील हिस्से कश्मीर की जिम्मेदारी अमित शाह के कंधों पर ही है, क्योंकि प्रधानमंत्री उन पर भरोसा करते हैं। मैं संकल्प करता हूं कि यह सदन अनुच्छेद 303 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचना की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 373 के अंतर्गत घोषणा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि वह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसको सरकारी गजट के रूप में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से उक्त अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। रिश्तों की मर्यादा। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जोड़ी खास इसलिए भी है क्योंकि इन दोनों के बीच कभी मतभेद नहीं दिखाई दिए। दोनों ना कभी एक दूसरे की बात काटते हैं और ना कभी एक दूसरे के रास्ते में आते हैं। अगर प्रधानमंत्री विदेश जाकर भाषण देते हैं तो आप कभी अमित शाह को विदेश जाकर भाषण देते नहीं सुनेंगे। प्रधानमंत्री उनके नेता हैं और अमित शाह जानते हैं कि वो क्या हैं, उनकी हद क्या है। अमित शाह के संबंध प्रधानमंत्री के साथ कितने ही दोस्ताना हो, लेकिन रिश्तों की मर्यादा उन्होंने हमेशा रखी। इसलिए प्रधानमंत्री के सामने वो खुद को कभी महत्वपूर्ण नहीं दर्शाते, बल्कि हमेशा उनके आगे झुकते ही दिखाई देते हैं। आपसी लगाव। दो दोस्तों के बीच लगाव का कारण उनका व्यक्तित्व होता है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का व्यक्तित्व करीब करीब एक जैसा ही दिखाई देता है, यानी दोनों एक दूसरे के अनुरूप हैं, अनुशासित और केंद्रित। ऐसे में लगाव होना स्वाभाविक है। इस लगाव को एक तस्वीर के माध्यम से समझा जा सकता है। 2019 में अहमदाबाद में रानी पोलिंग बूथ पर प्रधानमंत्री मोदी वोट डालने के लिए पहुंचे थे। वहां अमित शाह अपने परिवार के साथ उनके स्वागत के लिए पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने अमित शाह की पोती को गोद में उठाया और बड़े प्यार से दुलारा था। सिद्धांतों के साथ ईमानदारी। जब बात सिद्धांतों और विचारधारा की आती है तो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह दोनों बेहद मजबूत नजर आते हैं। दोनों के जीवन के कुछ नियम हैं, सिद्धांत हैं, जिन्हें दोनों पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। मामला चाहे हिंदुत्व का हो या फिर गाय, मामला चाहे देश का हो या विदेश का, अमित शाह और मोदी का स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है। दोनों की कार्यशैली भी ऐसी है कि वो किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं देते। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूँ, माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। ये दर्द सह करके हम चुपचाप नहीं बैठते। हम आतंक को कुचलना भी जानते हैं। ये नई रीति और नई नीति वाला भारत है।
सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ जुमला नहीं बल्कि इस पर काम करने में मोदी और शाह की जोड़ी हमेशा ईमानदार रही है। उतने ही ईमानदार दोनों एक दूसरे के प्रति भी हैं। अमित शाह को जो काम सौंपा जाता है वो उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अंजाम तक पहुंचाते हैं। पिछले कुछ साल इस बात के गवाह भी रहे हैं कि अमित शाह अपने काम को लेकर गंभीर ही नहीं ईमानदार भी हैं। काम करने की आजादी, आजादी मतलब काम करने की स्वतंत्रता। प्रधानमंत्री मोदी ने अमित शाह को पूरी छूट दी हुई है कि वो अपने क्षेत्र में अपने हिसाब से काम करें। 2014 से पार्टी अध्यक्ष के तौर पर काम करते हुए अमित शाह को किसी ने भी उनके तौर तरीकों के लिए रोका या टोका नहीं। अमित शाह ने देश भर में बीजेपी की किस्मत बदल दी, चाहे वो बीजेपी कार्यालयों का निर्माण करना हो या फिर कार्यकर्ताओं के कामकाज के तरीके को बदलना हो। इसके साथ ही अमरनाथ यात्रा की जिम्मेदारी हो या फिर 35A की, अमित शाह अपने तरीके से चीजों को व्यवस्थित करते दिखाई दे रहे हैं, जिन पर मोदी ने भरोसा भी रखा है और उन्हें आजादी भी दी है। मोदी शाह की दोस्ती लोगों को ये सिखाती है कि दोस्ती सिर्फ दिखावे से नहीं निपटती, इसे निभाने के लिए आधार का मजबूत होना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। आज पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के चाणक्य और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने उनके लिए अखबार में एक लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने 30 सालों में मोदी के साथ अपने संबंधों की चर्चा की है। उन्होंने बताया है कि किस तरह से मोदी की संवाद शैली, जनता से जुड़ाव और जन भागीदारी के बूते उन्होंने किस तरह से जनता में भरोसा कायम किया है। अमित शाह ने बताया है कि वो कौन से गुण हैं जिसके बूते मोदी जैसे नेता का निर्माण होता है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, संवाद, जुड़ाव और जन भागीदारी, जिनके बूते बीजेपी और मोदी सरकार ने जनता का भरोसा जीता। आज पीएम मोदी के 69वें जन्मदिन पर ये दावा किया है खुद पीएम मोदी के दोस्त, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सरकार में गृह मंत्री अमित शाह ने। अमित शाह ने एक अखबार में लिखे लेख में कहा कि मोदी सरकार ने जनता से जुड़कर ही जनता का भरोसा जीता है। इस लेख में अमित शाह ने नरेंद्र मोदी की 3 बार गुजरात के सीएम रहने के बाद 2 बार पीएम का पद संभालने की पूरी कहानी बयां की है। इस लेख के बहाने अमित शाह ने पार्टी के 1987 से लेकर अब तक के सफर की चर्चा की है। इस लेख में अमित शाह लिखते हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रहने के दौरान भी गुजरात में मोदी ने विकास कार्यों का नया मॉडल पेश किया। यही मॉडल साल 2014 के लोकसभा चुनाव में देश भर में चर्चित रहा। इस लेख में शाह कहते हैं कि बीजेपी मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। इस सप्ताह के दौरान स्वच्छता ही सेवा, सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति, जल संरक्षण और संवर्धन के संकल्प को लेकर काम शुरू होंगे। छोटी उम्र से ही राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित रहने के साथ मोदी ने शोषित और वंचित वर्गों के लिए काम करने पर ध्यान दिया है। ये इसलिए क्योंकि बेहद गरीब परिवार में पैदा होने के कारण उनका बचपन अभाव के बीच व्यतीत हुआ। कुर्सी के लिए पादाने बड़े, घर परिवार सब कुछ देश के लिए छोड़ा। शाह के मुताबिक मोदी सदस्य बनाने से लेकर उनसे संपर्क और उनका ब्यौरा रखने तक के काम पर निचले स्तर तक नजर रखते हैं। शाह कहते हैं कि उन्हें मोदी से काफी कुछ सीखने का मौका मिला। असंभव माने जाने वाले काम किस तरह से मोदी ने संभव कर दिखाए, इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि मोदी ने
जब गुजरात के घर घर में 24 घंटे बिजली देने का लक्ष्य तय किया तो लोगों को संभव नहीं लगता था। शाह का कहना है कि मोदी जब सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं तो उसमें परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टिकरण के खात्मे का संकल्प भी दिखता है। शाह के मुताबिक देश के इन तीन नासूरों से मुक्ति दिलाने की पहल इसलिए भी प्रभावी हो सकी क्योंकि मोदी ने विकास के मूल मंत्र को साथ लेकर गरीब कल्याण पर आधारित भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी राजनीति की शुरुआत की है। इस लेख में अमित शाह ने प्रमुखता से मोदी की संवाद शैली, जनभागीदारी और जनता से सरोकार का मुद्दा उठाया है। बेहतर विकास तभी संभव है जब उसमें जनभागीदारी नजर आए। इसी जनभागीदारी के जरिए विकास का कौशल भी मोदी के शासन की विशेषता रही है। इस लेख में अमित शाह मोदी की शासन शैली के बारे में बताते हैं कि सत्ता में कोई भी हो उसे जन समर्थन तभी हासिल होता है जब शासन से सामान्य नागरिकों को जोड़ने का काम हो। इस जुड़ाव का ही नतीजा है कि लोग उनके शब्दों को सुनते ही नहीं बल्कि उन पर भरोसा भी करते हैं। शाह लिखते हैं, लंबे समय से उनके साथ काम करते हुए मैंने महसूस किया है कि उनमें ऐसी अनेक विशेषताएं हैं जो उन्हें बहुआयामी व्यक्तित्व का स्वामी बनाती हैं। इस लेख के अंत में शाह लिखते हैं कि अपनी टीम की योग्यताओं और क्षमताओं को पहचाने बिना कोई भी नेतृत्व आगे नहीं बढ़ सकता और ये क्षमता मोदी में है। खुद से ऊपर उठकर काम करने की क्षमता, इच्छा शक्ति, फैसला लेने की क्षमता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत सबकी सुनने जैसे गुण ही मोदी जैसे नेता का निर्माण करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। मकसद है तो मेरा देश अजरा अमर है, दुनिया याद करे तो मेरे देश को याद करे, मेरे देश के भविष्य को देखें, मेरे देश के लिए दुनिया गर्व से कहें, ये एक देश है जो मानव कल्याण का रास्ता दिखा सकता है, विश्व को संकटों से बाहर निकालने का सामर्थ्य इस धरती में है, ये दुनिया को पता चले। मोदी की छवि चमकाने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, हिंदुस्तान की छवि चमकाने के लिए जिंदगी खपाने में मुझे इंटरेस्ट। और चलिए हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।